हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। जानेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान हम उसे कहते हैं कि मुख का वह भाग जिस भाग से हम वर्णों को उच्चारित करते हैं, वह वर्ण उस भाग का उच्चारण स्थान कहलाता है। दोस्तों, वर्णों का उच्चारण हम मुख के अलग अलग भागों से करते हैं। दोस्तों, मुख के अलग अलग भागों से उच्चारण करने वाले वर्ण अलग अलग होते हैं। दोस्तों, कंठ से, तालु से, मूर्धा से और ओष्ठ से आदि, कंठोष्ठ से और कंठ तालव्य से आदि भाग से जो वर्ण उच्चारित होते हैं दोस्तों, इसे हम उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे सबसे पहला जो है, हम बात करेंगे कंठ। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण सबसे पहला है का वर्ण। का वर्ग में दोस्तों, का से लेकर अंग तक माना जाता है का वर्ग में। दोस्तों, कंठ से बोले जाने वाला वर्ण का से अंग तक हो गया और तालु से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो होते हैं चावर, चा वर्ग। चावर में दोस्तों एक सा ए भी आ जाता है। अब दोस्तों, का से बोले जाने वाले वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाने वाले वर्ण चावर्ग बोले जाते हैं और इसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा या मूर्धन। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं टा वर्ण। दोस्तों, इसमें दो वर्ण और भी होते हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं। सबसे पहले है षटकोण वाला सा और ये है री। री से जो ऋषि वाला होता है वो भी मूर्धा से बोले जाता है। तीसरा है दोस्तों दंत। दंत से बोले जाने वाले वर्ण। दंत से बोले जाने वाले वर्ण दोस्तों कौन से हैं? तावर्ग। तावर्ग जो होता है वो दंत से बोला जाता है। दंत से बोले जाने वाले वर्ण और भी हैं दोस्तों। एक है ये सा होता है, ये सा ता से यानी कि दंत से बोले जाते हैं। और है ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण दोस्तों कौन से होते हैं? पावर्ण। पावर्ण जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ऐसे दोस्तों, ये हमारे मुख के अंदर उपस्थित सभी भाग हैं अलग अलग, जिससे हम अलग अलग वर्णों का उच्चारण स्थान यानी उच्चारित करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी हैं जो बोले जाते हैं अलग अलग भागों से। जैसे हम आप कह रहे हैं कि कंठ, धन, ओष्ठ। कंठ, धन, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं ओ और औ। ये सब शब्द जो है वो कंठ, धन, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कंठ, धन, तालव्य यानी कंठ और तालव्य
दोनों मिलकर जो उच्चारित करते हैं वो करते हैं ए और आय। कंठ तालव से उच्चारण होने वाले ये दो वर्ण हैं ए और अ। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे और भी उच्चारण स्थान की। दोस्तों बात करें दंत दंत मूल। दंत मूल जो वर्ण होते हैं वो होते हैं रा और ला। ये होते हैं दोस्तों दंत मूल। और भी हैं दोस्तों, एक है दंत धन ओष्ठ, ये है दोस्तों वा। इसी प्रकार और भी वर्ण है जो अलग अलग भागों